2007 में कपिल शर्मा ने शुरू किया था करियर। कॉमेडी शो जीतकर कपिल शर्मा ने टीवी में बनाई जगह। कभी जगराता में भजन गाया करते थे कपिल शर्मा। कहते हैं सोना तपने के बाद ही कुंदन बन पाता है। कॉमेडी जगत के किंग कपिल पुंज उर्फ कपिल शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे कपिल के लिए कामयाबी की राह कभी आसान नहीं रही। दुनिया को हंसाने वाले कपिल खुद कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं शायद ही आपको पता हो। बता दें कि कपिल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पिता पंजाब के पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और माँ होममेकर। उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी मगर 1997 में उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता को कैंसर हो गया था। पिता के कैंसर की वजह से वह दर बदर भटके और छोटे मोटे काम कर पिता का इलाज करवाने की कोशिश की। हालांकि साल 2004 में कॉमेडियन के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। क्या आपको पता है कि गुजारा करने के लिए कपिल शर्मा ने कैसे कैसे काम किए हैं? कॉमेडियन ने कभी पीसीओ बूथ तो कभी कपड़ा मिल में काम किया है। वह जगराता में भजन भी गाया करते थे। कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में कपिल ने खुलासा किया था कि वह जब छोटे थे तो वह टेलीफोन बूथ में 500 रुपए प्रति महीना कमाते थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने कपड़ा मिल में भी काम किया है जहाँ उन्हें 900 रुपए हर महीना मिलते थे। कपिल शर्मा ने ये भी बताया कि पिता के रहते हुए उन्हें कभी दबाव महसूस नहीं हुआ। वह 10वीं पास करने के बाद छोटा मोटा काम करते थे लेकिन खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए। मगर पिता के निधन के बाद उनके सिर पर इतनी जिम्मेदारियां आई कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। यूं तो कपिल शर्मा एक सिंगर बनना चाहते थे लेकिन उनकी किस्मत में कॉमेडियन बनना लिखा था। वह लाफ्टर चैलेंज के विजेता बनकर छा गए थे। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कपिल शर्मा की किस्मत का ताला खुल गया। वो कॉमेडी सर्कस में आए और फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 खोला। उन्होंने कलर्स के साथ हाथ मिलाया और अपना शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया। चंद दिनों में ये शो टॉप पर पहुंच गया और कपिल दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियन में शुमार हो गए। करियर अच्छा खासा चल रहा था, कामयाबी मिल रही थी लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा रहे ऐसा जरूरी नहीं। साल 2013 में कपिल शर्मा के सेट पर आग लग गई और कॉमेडियन को करोड़ों का घाटा हुआ। बाद में उन्होंने सोने के साथ द कपिल शर्मा शो शुरू किया। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कपिल का द ग्रेट इंडियन कपिल शो शुरू हुआ है। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति करीब 300 करोड़ रुपए है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भैया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।